इट्स चहक, वेलकम टू माय चैनल वी स्कूल फॉर इंग्लिश स्टडीज। तो आज मैं आपसे बात करूंगी स्पीकिंग मॉड्यूल के बारे में कि कैसे आप स्पीकिंग मॉड्यूल में कनेक्टर यूज कर सकते हैं, वो भी उस पॉइंट पे जब आप आंसर स्टार्ट कर रहे हो। चलो बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में होता क्या। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट योरसेल्फ, यानी कि सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके बारे में होंगे, यानी कि आपकी लाइकिंग्स, आपके डिसलाइकिंग्स, आपकी हॉबीज, आपका होम टाउन के बारे में, आपके फ्रेंड्स के बारे में, यानी कि योर सेल्फ के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको इंटर हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, ओपिनियन अबाउट अदर्स। अदर्स क्या आ गया, अदर पीपल। अदर पीपल में ओल्ड पीपल भी आ सकते हैं, यंग पीपल भी आ सकते हैं, चिल्ड्रन भी आ सकते हैं, यानी कि आपसे अलावा, आपके अलावा जितने भी ओपिनियन होंगे उसमें आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन। कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे, पास्ट का प्रेजेंट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, ओल्ड पीपल का और यंग पीपल का कंपैरिजन कर सकते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ओल्ड टाइम के जो टाइम्स के इक्विपमेंट्स होते हैं उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज का कंपैरिजन हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, पास्ट और फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपके बारे में भी हो सकते हैं कि आप पास्ट में ऐसे करते थे या फ्यूचर में ऐसे करेंगे, या फिर किसी भी रिगार्डिंग आ सकते हैं। ओल्ड पीपल जो है पास्ट में ऐसे क्या करते थे, ओल्ड पीपल फ्यूचर में क्या करेंगे, यंग पीपल पास्ट में क्या करते थे, यंग पीपल फ्यूचर में क्या करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अबाउट योरसेल्फ के बारे में। जब आपसे सिर्फ आपके बारे में पूछा जाएगा तब आप कौन से करेक्टर यूज कर सकते हैं। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, यस डेफिनेटली वर्ड यूज करते हैं, तो आप इन सब कनेक्टर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे वेल आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या है, अच्छा। तो नेक्स्ट क्या है, विदाउट ए डाउट, बिना किसी शक के। जैसे कि क्वेश्चन आर, डू यू लाइक रीडिंग, विदाउट अ डाउट आई प्रेफर रीडिंग बिकॉज इट जस्ट नॉट ओनली इंक्रीज माई वोकैबुलरी बट ऑल्सो एनहांस माई नॉलेज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, डेफिनेटली। डेफिनेटली वर्ड आप यूज कर सकते हैं यस की जगह पे, टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट यानी कि बिल्कुल ऑनेस्टली दसूं तो मैं यही कह सकता हूँ। उसके बाद क्या है, सर्टेनली। सर्टेनली क्या होता है, श्योरिटी। श्योरिटी के बारे में जब आपने आंसर देना हो, सर्टेनली ऐसा चीज करता हूं मैं, तो उसमें आप सर्टेनली यूज कर सकते हैं। और नेस्टली स्पीकिंग बिल्कुल टोबियनस की तरह सिनोनिम है। फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल फ्रैंक होकर स्पीकिंग कर रही हो। बेसिकली आप कब कर सकते हो, जब बिल्कुल बेसिक, जैसे आपका वीडियो, यू कम फ्रॉम, बेसिकली आई एम फ्रॉम समाना विच इज लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट पटियाला अंडर पंजाब। ठीक है, नेक्स्ट क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम। जब आपको पूछा जाए कि आप इवनिंग में क्या करते हो, मॉर्निंग में क्या करते हो, तो आप बोल सकते हो मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर टू डू दैट थिंग। ठीक है, ऐसे ही आप कर सकते हो। उसके बाद जर्नली, जर्नली में कह सकते हो, जर्नली में ये चीज करता हूँ या ये चीज करती हूँ, जर्नली में इसकी उपरो, इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड और सर्कमस्टांसेस। जब आपके मूड के रिगार्डिंग, जैसे कोई लाइक का क्वेश्चन आ गया, डू यू लाइक म्यूजिक, डू यू लाइक टू लिसन म्यूजिक, इट टोटली डिपेंड्स ऑन माई मूड। जब मेरा मूड होता है मैं तभी सुनता था, इट टोटली डिपेंड ऑन सर्कमस्टांसेस। ये नहीं कि आप सैड हो रहे हो तो आप म्यूजिक सुनोगे, आप खुश हो तब म्यूजिक सुन सकते हो, मतलब सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग होता है। तो नेक्स्ट क्या है आपका, ओपिनियन अबाउट अदर्स। अदर्स के रिगार्डिंग जो आपका ओपिनियन होता है, नो मैटर वो अदर पीपल कुछ भी हो, चिल्ड्रन हो, यंग पीपल हो, ओल्ड पीपल हो, ठीक है, ओपिनियन पूछा जाए, ओपिनियन किसी चीज का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग भी हो सकता है, इन माई ओपिनियन, ठीक है, इन माई व्यू पॉइंट, ये सभी के सभी सिनोनिम्स एक दूसरे के, तो आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। इन माई ओपिनियन, इन माई व्यू पॉइंट, इन माई परस्पेक्टिव, अकॉर्डिंग टू मी, आई पर्सनली बिलीव दैट, आई पर्सनली बिलीव, मुझे पर्सनली बिलीव होता है, विश्वास होता है, आई पर्सनली ऑब्जर्व दैट, मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करा है, आई कैन होल्ड एन ओपिनियन इन माई माइंड। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है कि मैं अपने दिमाग में एक ओपिनियन लेके चल सकता हूँ, तो उसके बाद अपनी लाइन बोल सकते हैं, आई कैन होल्ड एन ओपिनियन माई माइंड। नेक्स्ट क्या है, जब आपके साथ क्वेश्चन हो कि इंडिया के लोग या आपके होम टाउन के लोग अक्सर ऐसा क्या करते हैं, तो आप कह सकते हैं मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ पीपल हु लिव इन इंडिया, क्योंकि इंडिया रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं, इंडिया के साथ पीपल ऐसे खाना खाते हैं, वेस्टर्न कल्चर प्रेफर करते हैं या नहीं, ट्रेडिशनल कल्चर को टच में रहते हैं या नहीं, ऐसे बहुत सारे इंडिया रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसमें लिख सकते हैं मेजोरिटी ऑफ पीपल हु लिव इन इंडिया, यानी कि ज्यादातर लोग जो इंडिया में रहते हैं। अगर इंडिया रिगार्डिंग आया तो आप इंडिया लिखोगे, अगर आपके होम टाउन रिगार्डिंग आया कि होम टाउन के लोग ऐसे, तो आप होम टाउन लिखोगे ऐसे, मेजोरिटी ऑफ पीपल हु लिव इन माय होम टाउन। बिल्कुल ही सेकंड ओपिनियन वाले ही है, टू माई नॉलेज। टू माई नॉलेज मीन्स मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग, मेरी नॉलेज के साथ, जितनी मुझे नॉलेज है, ठीक है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पॉइंट के जरिए क्या होता है, जैसे आप बोल सकते हो
टू माय वे ऑफ थिंकिंग, कि जहां तक मेरी थिंकिंग का सवाल है कि मेरी थिंकिंग के नजरिए के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये से आपके ओपिनियन अबाउट अदर्स। तो हमारा थर्ड क्या है, कंपैरिजन, जिसमें आप कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें आप क्या बोल सकते हैं, आप एक कंपैरिजन करके जो दूसरा वर्ड बोलते हैं आप व्हाइल बोल सकते हैं, वेयर एज बोल सकते हैं, हाउ एवर ऑन द अदर साइड, मीन्स कि ये आप कॉन्ट्राडिक्टिंग कनेक्टर यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, पास्ट और फ्यूचर का कंपैरिजन। आप फ्यूचर की लाइन में क्या कर सकते हैं, आप कोई लाइन बोल दें या स्टार्टिंग में ही बोल दें, एज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मीन्स जिसका कोई अनुमान नहीं किया जा सकता, ये सबको पता है फ्यूचर के बारे में, कोई भी नहीं जाता है, मुझे ये भी नहीं पता कल क्या होगा। सो ठीक है, आप ये लाइन बोल सकते हैं, एज फ्यूचर इज अनप्रिडिक्टेबल। अगर आपको ये सुटिंग नहीं कर रही तो आप ये लाइन बोल सकते हैं, कैसे, नो वन नोज वट फ्यूचर होल्ड, किसी को नहीं पता फ्यूचर क्या पकड़ कर बैठा है। ठीक है, आप स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, या फिर आप कुछ लाइन बोल के कि मैं फ्यूचर में ऐसा कर जाऊंगी, फिर भी मुझे नहीं पता है कि मैं ये क्या करूंगी, या क्योंकि बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है ना, आप अनुमान नहीं ला सकते, तो आप ये लाइन फ्यूचर के रिगार्डिंग बोल सकते हो। अगर आपने पास्ट के बारे में पूछा है, यानी कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पास्ट में बारे में पूछे, जैसे कि जब आप बच्चे थे तो आप ऐसे क्या करते थे, अब हमको क्या पता जब बच्चे थे तो, क्योंकि हमारी मेमोरी उस टाइम इतनी शार्प नहीं होती, तो जो चीज़ आपको याद नहीं है, यानी कि जो चीज़ आपको पर्टिकुलर रिमेम्बर नहीं है या बिल्कुल धुंधला सा याद है, या अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हो कि हाँ जब मैं चाइल्ड था, व्हेन आई वाज चाइल्ड, तो आप वो लाइन बोल सकते हो। बट अगर आपको याद ही नहीं है कि आप उस टाइम में क्या कर सकते थे, तो आप ये लाइन बोल सकते हैं, कैसे, वेल इट इज नॉट अ कप ऑफ टी। कप ऑफ टी एक idiom की तरह यूज किया गया, अगर आपने idiom नहीं यूज करना, आप hard बोल सकते हो। वेल इट इज hard टू रिमेम्बर और कॉल, कॉल और रिमेम्बर की जगह पर आप कुछ भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीनिंग याद है, यहाँ पर कॉल फोन कॉल वाला कॉल नहीं है, ये दूसरा कॉल है, यानी याद करना। सच अ ओल्ड मेमरी, इसका मीनिंग क्या है कि ये यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है वो मेरी ओल्ड मेमरी को याद करना। बट इफ आई टॉक अबाउट द रफ ओपिनियन, अगर मैं धुंधला सा ओपिनियन दू, यानी कि एक रफ ओपिनियन दू कि हाँ ऐसा हो सकता था, ठीक है, रफ ओपिनियन, देन आई वुड से दैट, तो मैं ये कहना चाहूंगा। यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करते हैं, आई कैन से दैट बोलते हैं, ये आई कैन से दैट मीन्स आपकी अबिलिटी होगी, कैन वर्ड यूज कर, कैन जो है आपकी अबिलिटी शो करता है, वो तो पता है आप बोल सकते हो, तो कैन मत यूज कर, आई कैन से दैट वर्ड कोई नहीं हुआ, तो आप ये यूज कर सकते हो, आई वुड से दैट। तो ये थे गाइज आपके कनेक्टर्स जो कि आप स्पीकिंग मॉड्यूल के इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। आई होप गाइज यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।